आर्मेनिया अजरबैजान का तीसरा सीज फायर भी बेअसर हो गया है। आर्मेनिया के दक्षिण बॉर्डर के पास पहुंचे अजरबैजानी आर्मेनिया बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर दूरी पर अजरबैजानी मौजूद हैं। अजरबैजान का आर्मेनिया की मेन लैंड पर हमने की योजना चल रही है और ये जाहिर है ये और भी भयानक होता जा रहा है कि अब ये सिर्फ नगोर्नो काराबाग का मामला नहीं रह गया, मेन लैंड आर्मेनिया पर भी अजरबैजान पहुंचकर हमला बोलना चाह रहा है। याकूब साहब, ये समझाइए कि पाकिस्तान के भीतर इस सबको कैसे देखा जा रहा है, वो पाकिस्तान जो टर्की और अजरबैजान के साथ खुद को खड़ा दिखा रहा है। देखें, इससे पहले रनंदर जी से सॉरी अगर मैंने रॉन्गली प्रोनाउंस किया, उन्होंने हमारी जबान में कहावत है कि दरिया को कूजे में बंद कर देना, मतलब बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया। बट यहाँ पे बात यह है कि पाकिस्तान के एस्पेक्ट में आपको बाद में बताऊंगा, यहाँ पे जो डिटरेंस बाय पनिशमेंट की ये स्ट्रेटजी थी अजरबैजान की, उसमें उनको मिला कुछ नहीं। आई मीन कि कुछ 7 गांव या 27 गांव मिले जब आप उनको कंपेल कर रहे होते हैं, स्टेटस को चेंज कर रहे होते हैं, और जब आप इतनी बड़ी वॉर वेज करते हैं, फुल स्केल वॉर वेज करने के बाद महीना हो गया, नतीजा कुछ नहीं निकला। अब ये वीडियोस तो शेयर कर रहे हैं लेकिन अवाम को किस मुंह से अवाम के पास ये दिखाएंगे कि जी हमने क्या गेन किया इस वॉर में, क्योंकि ना तो ब्रिकमैनशिप काम आ रही है ना कुछ आ रहा है, और रशिया ऑब्वियसली उसका बहुत स्टेक है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है, साहब बहुत लंबी चर्चा में आपसे करता लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, और खास तौर से मैं आपकी साफ गोई का मुरीद हूं सर। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।